देखिए इस क्वेश्चन में दो दो आपका समेशन लगा हुआ है। सबसे पहले आप ध्यान इस बात पे दीजिए, एक समेशन आपका यहाँ पे है और दूसरा समेशन आपका यहाँ पे है। हम सबसे पहले इस समेशन के बारे में बात करते हैं, इस समेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ एन दिया हुआ है एन। देखिए इस समेशन के बारे में क्या बात करते हैं कि अगर कहीं भी समेशन के इक्वल टू वन से लेके के इक्वल टू एन तक है और जनरल टर्म में टू एन लिखा हुआ है। जनरल टर्म में क्या है? टू एन है। ये टू आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमेशा समेशन के बाहर चला जाता है। अब अंदर अंदर क्या बचा? के इक्वल टू वन बचा, के इक्वल टू एन बचा, अंदर में क्या बचा? एन। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो टू, अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 प्लस एन तक। और याद रखिएगा समेशन आर, अगर आर में है तो, या एन बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय टू। इसका मतलब टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय टू, ये टू टू खत्म। यानी ये जो लिखा हुआ है सर, ये रेड वाला, इसका मतलब होता है एन इंटू एन प्लस वन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन प्लस वन और इंटू एन। अब इस समेशन के लिए एन जो है वो वेरिएबल है, हम आर में बताए हैं लेकिन एन आपका वेरिएबल हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, इसमें हम लोग ध्यान इस बात का रखेंगे कि समेशन ऑफ टू के है और के इक्वल टू वन से लेके के इक्वल टू एन तक, इसको आप लिख सकते हैं टू बाहर, समेशन के इक्वल टू वन से लेके के इक्वल टू एन तक और के बचा। ये बराबर होता है टू पहले से है और ये बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसमें वेरिएबल आपका के है, या ये टू और टू खत्म। क्या बचा आपके पास? एन प्लस वन इंटू एन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? समेशन एन इक्वल टू वन से लेके एन इक्वल टू 23 तक क्या दिया हुआ है? कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स वन प्लस एन हो गया, क्योंकि कॉट है इसको हम टेन में बना लेते हैं पहले। यहां वेरिएबल कौन है? तो एन है। अभी अभी इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एन इक्वल टू वन से लेके एन इक्वल टू 23 तक क्या लिखिएगा इसको आप? टेन इनवर्स वन बाय वन प्लस एन प्लस वन इंटू एन। हम बताए थे पहला का दूसरा और आखिरी का पहला, फिर से बताइए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका टी वन होगा और यहाँ पे आपका, लिख देते हैं यहाँ पे, टी 23 होगा। तो पहला 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 कौन बचेगा? माइनस टेन इनवर्स वन। आखिरी आखिरी कौन बचता है? यहाँ देखिए टेन इनवर्स 24 लिखना सिखाए थे हम, अब माइनस टेन इनवर्स 23। तो एक ये बचेगा और ये बचेगा, यानी फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 24 और माइनस टेन इनवर्स 1। तो हो जाएगा टेन इनवर्स 24 माइनस 1 और नीचे में 1 24 इंटू 1। फाइनली आंसर हो गया टेन इनवर्स 23 बाय 25। और ये क्वेश्चन था आपका एडवांस का क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा 23 बाय 25। ए नंबर आपका आंसर सही है।